हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। मेंशन है, हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो उसको डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करते जाइए। एक गार्डन है सर्कुलर जिसका एरिया हमें गिवन है 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius of 12 meter. अब एक स्प्रिंकलर है पानी छिड़कने के लिए जो कितना एरिया कवर कर रहा है, सेंटर में लगा है और 12 मीटर का रेडियस का, मतलब वो यहाँ से 12 मीटर तक का एरिया में पानी डाल सकता है। चारों तरफ ये पानी डाल रहा है और इसकी रेंज कितनी है, 12 मीटर तक। मतलब अगर हम सेंटर से 12 मीटर का सर्कल ड्रॉ करें तो उसमें ये स्प्रिंकलर पानी डाल रहा है। अब इसमें पूछा है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, कि स्प्रिंकलर पूरे गार्डन में पानी डाल रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये कितना, दो तरीके हैं। या तो हम इससे रेडियस फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस गार्डन की रेडियस कितनी है और ये कितने रेडियस में पानी डाल रहा है, और दूसरा हम एरिया पता कर लें कि पानी कितने एरिया में लग रहा है और टोटल एरिया कितना है। दोनों तरीके से हमें पता चल जाएगा, तो हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस ऑफ गार्डन, रेडियस ऑफ गार्डन सपोज है आर, तो एरिया है यहाँ पे 314 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ दिया है 314, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और आर हमें नहीं पता है तो आर स्क्वायर लिख लिया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100। 314 से 314 कट हो गया, आर स्क्वायर हो गया 100। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होता है 100। तो R की वैल्यू क्या हो गई 10 मीटर। तो अब इससे पता चल रहा है कि गार्डन तो है हमारा 10 मीटर का, ये गार्डन की रेडियस कितनी है 10 मीटर और स्प्रिंकलर कर रहा है 12 मीटर तक। मतलब अगर यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा है तो स्प्रिंकलर कितना पानी दूर फेंक रहा है, यहाँ से 12 मीटर तक, मतलब गार्डन के बाहर तक ये पानी फेंक रहा है। गार्डन तो सिर्फ 10 मीटर रेडियस का है और स्प्रिंकलर अपना पानी फेंक रहा है 12 मीटर रेडियस तक, मतलब गार्डन के बाहर भी 2 मीटर तक एरिया में ये पानी डाल रहा है। तो आंसर होगा यस, द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन।